कि वो स्क्रू दिखा सकता हूँ जिस टाइम पे अंग्रेज लोगों ने बनाया था और यूज किया था, देख सकते हो भाई। क्या कह रहे हो, निकाल के ले जाओ? अरे नहीं भाई, हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नए प्यारे से व्लॉग में। सो आज इस व्लॉग की शुरुआत जो मैं कर रहा हूँ ना, वो इस लोकेशन से कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ एक फील्ड है और इस फील्ड का नाम है साबिया फील्ड। और ये बिहार में दूसरे नंबर का एयरपोर्ट बनने वाला है आने वाले टाइम पे, जो सबसे बड़ा हो सकता है, पटना से भी बड़ा हो सकता है ये वाला एयरपोर्ट। सो अभी आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा, बट आप लोग थोड़ा सा इसका व्यू ले लो और देख लो भाई कैसा है ये हमारा साबिया फील्ड। और ये जो फील्ड है ना, ये हमारे घर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो सोच सकते हो आने वाले टाइम पे हमारे घर के बगल में क्या होगा, एक एयरपोर्ट होगा भाई। सोच रहे हो भाई, जो ये वाला फील्ड है ना, ये उस जमाने का एयरपोर्ट हुआ करता था जब अंग्रेज हमारे ऊपर हुकूमत करते थे, और उन लोगों ने यहाँ पर अपने लिए एक एयरपोर्ट बनाया था जिसपे वो लोग सीखा करते थे। और ये एक तरह से ये सीक्रेट एयरपोर्ट हुआ करता था। और देख सकते हो गाइस, ये जो फील्ड है ना, ये फील्ड आप लोगों का कितने एकड़ में, 600 एकड़ में फैला पड़ा है। सोच सकते हो भाई कितना बड़ा ये फील्ड है, तो आराम से एक एयरपोर्ट तो बहुत बढ़िया बन सकता है इसमें। सो आप लोग ये देखो भाई, जिस पर हम लोग अभी चल रहे थे वो एक रनवे है। और आप लोग देख सकते हो अभी इस पे बाइक, गाड़ी और लोग इस पे यहाँ पर सीखने के लिए आते हैं, क्या गाड़ी चलाना, बहुत सारी चीजें अभी एक्टिविटी करते हैं यहाँ पर। लोग वीडियो भी बनाते हैं, फिल्म की शूटिंग भी होती है। लेकिन आप लोगों को अगर इसके बारे में बताऊं तो यहाँ पर एक कंट्रोल रूम हुआ करता था उस टाइम पे, जिस टाइम पे अंग्रेज इसको यूज करा करते थे। कब क्या करते थे, जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था उस टाइम पे ये वाला एयरपोर्ट चालू हुआ करता था। और उस टाइम पे जो अंग्रेज थे वो इसको सीक्रेट बेस के रूम पे यूज करते थे एंड यहाँ पर सीखते थे एयरप्लेन उड़ाना, हेलीकॉप्टर उड़ाना, ये सारी चीजें। एंड अब देख सकते हो इसमें बहुत अच्छी हवा चल रही है एंड इस तरफ में कुछ लील गाय है, हिरण वगैरह भी कहते हैं, आप लोग देख सकते हो। लेकिन लोकेशन बहुत प्यारी है, ये पूरा एकदम साबिया फील्ड में ही है। एंड देख सकते हो यहाँ से एक टेम्पू भी जा रहा है, तो बहुत अच्छा उपयोग में अभी भी चल रहा है, मजाक कर रहा हूँ गाइस। लेकिन आने वाले टाइम पे भाई बहुत ही अच्छा हो जाने वाला है, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि भाई इसको हम लोग एक एयरपोर्ट बना देंगे। एंड पटना पे एक एयरपोर्ट है, दूसरा यहाँ पर हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा गाइस, बिहार के लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी ये। हम लोग पहुंचे थे कंट्रोल रूम में, आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे कंट्रोल रूम है एंड आप लोगों ने इसका सिनेमैटिक देख लिया है। अब चलते हैं इसके अंदर और कौन कौन से रूम हुआ करते थे, वैसे तो लिखा नहीं होगा बट जितना नॉलेज होगा आप लोगों को दिया जाएगा, तो फटाफट से इसके अंदर चलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं भाई इसके अंदर एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये इसके कुछ खिड़की हैं जो टूट गए हैं। फिलहाल सबसे पहले आप लोग ये चेक करो, ये जो छत दिख रही है ना आप लोगों को, ये लकड़ी का फ्रेम है और लकड़ी पे ही टिका हुआ था एंड इस तरफ में सारी लकड़ियां गायब हो चुकी है। ये उस टाइम का है जब अंग्रेज इसमें कंट्रोल रूम में कंट्रोल किया करते थे यहीं से बैठ के, उसी टाइम का बना हुआ है। और देख सकते हो कितनी मजबूती थी उस टाइम पे
इस बिल्डिंग की, एंड इस तरफ में भी एक रूम है। चलो फटाफट से इसके अंदर चलते हैं एंड बाकी चीजें दिखाते हैं। अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं एंड ऊपर जाने के बाद चलते हैं भाई कहाँ पे, ऊपर ही चलते हैं छत पे यार, छत से आप लोगों को इसका व्यू दिखाएंगे भाई। और ये देखो भाई हम लोग आ चुके हैं छत पे। लोगों ने दीवारों पे देखो नाम लिख रखे हैं राजा, देख रहे हो, गाली भी लिख रखे हैं भाई, सॉरी भाई गाली मत निकालो भाई, मजाक कर रहा हूँ गाइस। ये देखो गाइस यहाँ से व्यू देखना आप लोग। सो अभी बस हम लोग इतने ही ऊपर आ सकते हैं एंड देख सकते हो पीछे का नज़ारा कितना बढ़िया लग रहा है। और यह है आम का पेड़, अगर इसमें आम हो रहे होते ना मैं यहीं से तोड़ लेता। सो भाई ये उस टाइम का है जो कंट्रोल रूम हुआ करता था, एंड कंट्रोल्स कहाँ गए कुछ पता नहीं, इतने सालों में गायब नहीं होंगे क्या है। अंदरवा का दिखा देंगे यार, दिखा तो दिया, और देखोगे भाई, लो और देख लो यार। ये देखो भाई देख रहे हो, ये एक प्रॉपर घर है समझ रहे हो। अभी भी लोग आके इसमें खेलते हैं, अभी तो भाई नहीं है कोई भी क्योंकि सारे बच्चे बाहर खेल रहे हैं क्रिकेट, नहीं तो वो लोग यहाँ पर डेरा जमा के बैठे रहते हैं, और होते तो उनसे भी मिलवाते हैं और पूछते भाई क्या क्या सीन है यहाँ का। अभी गाइस आप लोगों को एक चीज दिखाने वाला हूँ उस टाइम की टॉयलेट। तो ये रहा भाई देख रहे हो, मेरे को लगा यार टंकी उंकी रखने का होगा, पर हमारे भाई बता रहे हैं कि भाई ये है टॉयलेट, देख रहे हो कैसे बैठते होंगे, बैठ जाते होंगे साइड साइड में दीवार। अच्छा मेरे को लगा भाई ओपनली करते होंगे, हवा खाते होंगे भाई। अंग्रेज है भाई कुछ भी कर सकते हैं। सो भाई व्यू तो काफी अच्छा आ रहा है। सो और कुछ तो नहीं है इसके बारे में बताने के लिए, बस मैं आप लोगों को ये कंट्रोल रूम दिखा सकता हूँ एंड इसके वो स्क्रू दिखा सकता हूँ जिस टाइम पे अंग्रेज लोगों ने बनाया था और यूज किया था, देख सकते हो भाई। क्या कह रहे हो निकाल के ले जाओ, अरे नहीं भाई। ठीक है तो भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जब ये बन के तैयार होगा हमारे बिहार में एक और एयरपोर्ट बन जाएगा तो काफी अच्छा हो जाएगा गाइस। एंड सबसे बढ़िया बात तो ये रहेगी मेरे गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पे रहेगा तो मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड जो जो गोपालगंज या बिहार से देख रहा भाई कॉमेंट करके बताना कि आप लोग खुश हो कि नहीं हो कि भाई हमारे एक और बिहार में एयरपोर्ट बनने वाला है, तो कॉमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल गाइस अभी गाइस इस फील्ड में ये तो पूरा खाली है एंड ये जो 600 एकड़ में फैला पड़ा है इसमें कुछ गांव भी है, मार्केट भी है और बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों ने अपने रहने के लिए बना लिया है, खेती भी करते हैं तो भाई उनके लिए थोड़ा सा नुकसान होगा, बट कुछ भी हो है तो सरकार का बन जाएगा सबके लिए अच्छा, बन जाएगा तो हाँ बन जाएगा तो सभी के लिए अच्छा हो जाएगा है ना। तो भाई मेरे ख्याल से तो बनना चाहिए, आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि भाई बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। ये चेक करो भाई मेरे पीछे क्या भाग रहे हैं, ये देखो भाई कितने मजे से भाग रहा है भाई, भागने दो देखो कहाँ तक जाएंगे, इन्हीं का फील्ड है भाई, इन्हीं का राज है समझ रहे हो। फिलहाल हम लोग चलते हैं अब घर की तरफ और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को मेरा घर इधर से कितनी दूर है, तो मिलते हैं रास्ते में आप लोगों से। अभी गाइज यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि हवा की ज़्यादा आवाज़ आ रही थी तो वो वाली वॉइस ठीक नहीं आई। तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर खेत है, ये सारे खेत और घर जो है साबिया फील्ड के हैं, देख सकते हो कितने सारे घर हैं। अभी हम लोग मार्केट की तरफ भी जाएंगे तो आप लोगों को मार्केट का भी दिखाएंगे। तो ये चेक करो यहाँ पर पब्लिक भी है और घर भी काफ़ी सारे हैं, तो देख सकते हो आप लोग यही वो मार्केट है जिसकी मैं बात कर रहा था और इस मार्केट का नाम है जिन बाज़ार। मैं जब छोटा था और गांव आता था तो इसी मार्केट से होकर अपने घर जाता था। और ये जो पीपल का पेड़ है आप लोग देख रहे हो ये बहुत ही पुराना है और इसी शॉप पे मैं समोसे वगैरह खाया करता था। और देख सकते हो कितनी सारी दुकानें हैं, कितने सारे लोग हैं, तो ये सब उस साबिया फील्ड में आता है। जिस रेलवे पे खड़ा हूँ इस रेलवे पार हमारा गाँव स्टार्ट हो जाता है और उस तरफ में मेरा घर है, वो वाइट वाला घर देख रहे हो ना उसी के पास मेरा घर है। एंड पटरी पार करने के बाद साबिया फील्ड स्टार्ट हो जाता है और आप लोग देख सकते हो कितना पास है।